पंडरिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 विधायक भावना बोहरा जीत के बाद पहली बार अपने क्षेत्र पंडरिया पहुंची, जहां उनके स्वागत में हजारों की भीड़ हर चौक चौराहों पर। शहर वासियों ने फूल बरसाकर, बाजे गाजे फटाके फोड़कर अपने नवनिर्वाचित विधायक भावना बोहरा का भव्य स्वागत किया। विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में यह पहली बार देखा गया कि इतनी ऐतिहासिक भीड़ अपने विधायक के स्वागत में लोगों का उत्साह नजर आई। बता दें, शहर के विभिन्न संगठनों के द्वारा भावना बोहरा के स्वागत सम्मान में चौक चौराहों पर भावना बोहरा को लड्डू से तौल कर सम्मान किए। शहर में हजारों की भीड़ देखने लायक थी। शहर में लोगों को पहली बार इतनी ऐतिहासिक भीड़ उत्साह देखने को मिला। शहर के सभी मुख्य मार्गों में बाजे गाजे आतिशबाजी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भावना बोहरा क्षेत्र वासियों का पैदल भ्रमण करते हुए धन्यवाद आभार अभिनंदन की। उन्होंने अपनी जीत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पंडरिया क्षेत्र के विकास, उन्नति, महिला उत्थान को प्रथम प्राथमिकता देने की बात कही। आपको बहुत बहुत बधाई पंडरिया आगमन पर। मैडम जी, यहाँ के पंडरिया के लिए अभी जो उत्सव का माहौल बना है, पहली बार देखा गया है, ऐतिहासिक भीड़ है यहाँ, तो अभी पंडरिया वालों के लिए, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र वालों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? आज पंडरिया में सबका आभार करने के लिए, जिस तरीके से चुनाव के पहले भी और चुनाव में भी जितना सहयोग और साथ पूरे पंडरिया वासियों का, पूरे पंडरिया विधानसभा का मिला है, उन्हें अभिनंदन करने आई हूँ। लेकिन जितना सम्मान मुझे मिल रहा है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जितना वादा जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लगता है मुझे काम करना पड़ेगा। विधायक भावना बोहरा ने मीडिया से खास चर्चा के दौरान कहा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अब सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था लागू होगा। उन्होंने कहा कि विगत कांग्रेस कार्यकाल में 5 वर्षों तक शहर में जुआ, सट्टा, शराब जैसी सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी। उन्होंने कहा, पंडरिया क्षेत्र वासियों ने उन्हें सार्वजनिक मतों से जीत दिलाई। वो तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए यह वचन देती है कि पंडरिया का विकास, उन्नति उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने मीडिया से कुछ प्रमुख बिंदुओं पर जवाब देते हुए कहा कि पंडरिया में विगत 5 वर्षों तक जुआ, सट्टा, शराब जैसी सामाजिक बुराइयों का अंत होगा। अब पंडरिया में जुआ सट्टा नहीं होगा। कानून व्यवस्था में सुधार कर पंडरिया भय मुक्त विधानसभा क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा, विगत सरकार के द्वारा निर्माणाधीन रोड, भवन निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार, अनियमितताओं पर जांच होगी और ऐसे ठेकेदारों के गुणवत्ताहीन कार्यों पर बुलडोजर चलेगा और 5 साल एम्बुलेंस भी चलेगा। आभार रैली कार्यक्रम में कांग्रेस जिला महामंत्री प्रशांत सिंह ठाकुर ने भावना बोहरा को लड्डू से तौला और बीजेपी में शामिल हुआ। आभार पैदल रैली में बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता नवल किशोर पांडे, चंद्र कुमार सोनी, गजपाल साहू, कुलदीप सिंह छाबड़ा, पदमराज टंडन, भास्कर देवांगन, सुमित तिवारी, रितेश सिंह, समस्त पंडरिया व्यापारी बंधु शामिल रहे। देखिए, बहुत सारे विषय लोकल, अगर पंडरिया की हम बात करें तो हमेशा भय का वातावरण, शराब और जुएकरण, सट्टेकरण तो यहाँ बन रहा था। सबसे पहले उसको भयमुक्त करने की जो बात है, उसके लिए कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। उसके बाद जो पंडरिया शहर के सौंदर्यीकरण की हम बात करते हैं, जो बिजनेस एक मल्टी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, महिलाओं के लिए मेरा सोच है कि पंडरिया में सिर्फ महिलाओं के लिए एक ऐसा बिजनेस सेंटर बने जहाँ जाकर के महिलाएं को व्यवसाय करना चाहती हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे आगामी समय में सोच है, एक एक करके सबको पूरा करना है। एक अहम सवाल है, और निर्माण कार्य जितने भी हुए हैं वहाँ अनियमितता पाए गए, उन ऐसे ठेकेदारों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित ही निर्माण कार्य में, चाहे मैं रोड की बात करूँ, जो बोर्डिंग पंडरिया रोड है उसकी मैं बात करूँ, चाहे जो निर्माण कार्य, मुझे नहीं लगता कि ऐसा तो कांग्रेस सरकार में निर्माण हुआ है, जो लीपापोती हुई है वो बीजेपी की सरकार के टाइम जो काम है हिंदी में लीपापोती बस की, लेकिन फिर उसमें भी इतनी भ्रष्टाचारी कमीशन खोरे निश्चित ही कर लिया। मतलब बुलडोजर चलेगा साथ में एम्बुलेंस भी चलेगा। पंडरिया से पीडी मणिपुरी की रिपोर्ट, देखते रहिए सीजी विजन टीवी।